हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है यार मेरे अपने गेमिंग यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को आने में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन माफ करना इस टाइम की वजह से, क्योंकि हमारे सामने के चैलेंजर बहुत ही खतरनाक होने वाले थे। और भाई आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया कि भाई बटरफ्री का यूज़ करो, कोई दूसरा पोकेमोन का यूज़ करो। तो फाइनल गाइस, हमने कई दिनों तक ट्रेनिंग करते करते ग्लाइस्कोर को स्टार अप, मतलब सी स्टार अप भी कर लिया है, लेकिन पता नहीं कि हमारा ग्लाइस्कोर उनके सामने, इलेट फोर के सामने टिक पाएगा क्या नहीं। लेकिन हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे उनको हराने के लिए। सामने पहले हमारे इलेट फोर के फोर मेंबर आएंगे और बाद में लैस और हमारा पहला दुश्मन सिल्वर। और भाई हमने फिर से नेम कार्ड का यूज़ करके हमारा नेम फिर से एक और नया डेंजर ब्रो कर दिया है। डेंजर हमने छोटा रखा है, ब्रो हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं यार, तो लेट्स गो। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लेजेंडरी पोकेमोन को जल्द से जल्द सिक्स स्टार अप कैसे करें। भाई साहब, हमने ग्लाइस्कोर को डायरेक्टली पकड़ा नहीं है वर्ल्ड आइलैंड एस में, और भाई हमने राउंड 32 में जाके बहुत सारे ग्लाइकर को पकड़ा, उनको रिलीज किया और उनमें से एक एक को वन स्टार अप करके उनको इवॉल्व किया, और बाद में उनको भी रिलीज करके हमने अपने मेन ग्लाइस्कोर को सिक्स स्टार अप किया था गाइस। तो चलिए, हमने इसको एक्टिव मतलब एबिलिटी भी दे दी है पॉइजन हिल की। इसकी वजह से हमारी बार बार मतलब बैटल के वक्त हमारी हेल्थ अप भी हो जाएगी यार 100 HP। तो चलिए गाइस, इनमें से एक और लेजेंडरी मतलब सुप्रीम बेस्ट पोकेमोन है, वो आपको उसका नाम स्लोकिंग है, वो भी बहुत बेस्ट है। और भाई एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप एक ही टाइम तीन लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ सकते हो डे हो या नाइट, वो उस राउंड का 35 नंबर है गाइस। और उधर आपको एग्जीक्यूटर के साथ दो एक मिल टैंक और एक और है क्रोबैट, वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद भी एक और लेजेंडरी आप स्टार अप कर सकते हो, उसका नाम है यानमेगा। वो भी इसी ग्लाइगर की तरह आप पकड़ो, वहाँ पर यानमेगा बहुत सारे मिल जाते हैं। और भाई अगर आपका लक होगा तो आपको यानमेगा शाइनी भी मिल सकता है गाइज। मुझे उसी राउंड में कुछ पोकेमोन का नाम था वो हमें मिला था गाइज, मैंने उसको पकड़ भी लिया था, जाने दो। लेकिन हम अपने मेन मिशन इलीट फोर को हराने के लिए बढ़ लेते हमारे इंडिगो लीग में। तो चले गाइज, हम फाइनल आ चुके हैं। हम गाइज कोई और पोकेमोन भी आगे कर लेते हैं, लेकिन हमारे सामने आ चुका है पहला वाला बंदा। और भाई इसके साथ भाई इसके पास बहुत ही खतरनाक वाले साइकी पोकेमोन होने वाले हैं। तो चलिए इसको हम चैलेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका। हमारे सामने पहला पोकेमोन, हमारे सामने ब्रॉन्जोंग आ चुका है। हमने भी ग्लाइस्कोर को चुन लिया है। स्वर्ड डांस हमने पहले इस्तेमाल कर लिया है, देख लेते हैं। फ्यूचर साइक फिर से इसने इस्तेमाल किया, हमारे एबिलिटी स्टार्ट हो चुके। स्वर्ड डांस फिर से हमने इस्तेमाल कर लिया है, इसका मिस हो चुका है, फिर से हम स्वर्ड डांस का इस्तेमाल कर लेंगे। और भाई साफ देख लेते हैं जायरो बॉल, इसका 87 का डैमेज। और भाई तगड़ावार फ्यूचर साइक के साथ फिर से हमारी एबिलिटी यूज़ हो रही है। और भाई स्काई अपकट के साथ तगड़ावार फ्यूचर साइक फिर से इसने इस्तेमाल कर लिया है, फिर से हमने स्काई अपकट के साथ 42 अभी तक बची हुई। जायरो बॉल 94 का डैमेज, फिर से हम करेंगे तगड़ावार स्काई अपकट, हमारा मिस हो चुका है। जायरो बॉल 86 का डैमेज, और भाई फ्यूचर साइक फिर से लग चुका है हमारे ऊपर। लेकिन हमारी एबिलिटी के साथ भाई हमने स्काई अपकट दे मारा, ब्रॉन्जोंग हार चुका है हमारे सामने। फाइनली देख लेते ग्रोम्पिंग आ चुका है हमारे सामने गाइस। और भाई पॉइजन जैक के साथ तगड़ावार साइकिक अटैक उसने भी किया, और भाई हमारी लगातार हेल्थ भी बढ़ रही। फिर से हमने पॉइजन जैक के साथ ग्रोम्पिंग को भी हरा दिया है गाइस। देख लेते इसका अगला पोकेमोन हमारे सामने गाइस, जादू आ चुका है। देख लेते हम पॉइजन जैप का फिर से इस्तेमाल, पॉइजन जैप उसने पहले किया लेकिन हमने भी 505 का दे मारा उसके मुंह पर। देख लेते फिर से साइकिक उसका 56 अभी तक बची हुई, लेकिन हमारे पॉइजन जैप के साथ जादू भी हार चुका है गाइस। 3 अभी तक बची हुई, देख लेते इसका अगला पोकेमोन जिंक्स आ चुका है हमारे सामने गाइस।
उसका अपकट के साथ जेंक्स को एक वार में तगड़े वार में हमने हरा दिया है गाइस। देख लेते हैं इसका अगला पोकेमॉन फिर से स्लो ब्रो आ चुका है हमारे सामने। और भाई मेगा इवोल्यूशन हो चुका है स्लो ब्रो, पॉइजन जैप का कुछ नहीं डैमेज, लेकिन भाई साहब हम भी पकड़ेगा यूज़ करेंगे, देख लेते गाइस। और भाई साहब 483 का डैमेज भाई, और भाई थोड़ा सा बचा हुआ है हमारा ग्लाइस्कोर, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे इसके साथ भाई। मेगा स्लो ब्रो भी हार चुका है गाइस, देख लेते हमारे सामने इसके बाद गार्ड वॉर आ चुका है, देख लेते पॉइजन जैब हम यूज़ करेंगे। मेगा गार्ड वॉर हो चुके, लेकिन उससे पहले ही मून ब्लास्ट के साथ हमारे ग्लाइस्कोर को उसने हरा दिया गाइस, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे। हमने नॉकटॉल को चुन लिया, पहले मून ब्लास्ट लगा हमने मारा, हाइपोसिस भी लग चुका है, मून ब्लास्ट हम यूज़ करेंगे, देखते थे क्या अटैक डैमेज होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर से हम मून ब्लास्ट का इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी नहीं, फिर से जाग चुकी मेगा गार्ड वॉर, उसके साथ हमारे नॉकटॉल को भी हरा देगा गाइस। देख लेते हैं हमने ग्रोडॉन को चुना, प्रेसिंग ब्लेड के साथ तगड़ा वार करेंगे, लेकिन मून ब्लास्ट पहले लगा, फिर से हम साइकिक के साथ भाई ग्रोडॉन को उसने हरा दिया है। देख लेते मांचो को हमने चुन लिया गाइस, लेकिन एक अटैक लगना चाहिए, लेकिन 109 के साथ क्नैक ऑफ के साथ 57 अभी तक बचे हुए, फिर से साइकिक का इस्तेमाल और हमारे मांचो को हरा दिया गाइस। हमने वॉलकैनिंग को चुन लिया है, स्केल अटैक हम करेंगे, पहले मून ब्लास्ट लगा और भाई स्केल अटैक के साथ हमने फाइनली पहले एलीट फोर को हरा दिया गाइस। तो फटाफट से हम पहले पोकेमॉन की हेल्थ अप करने के लिए जाएंगे और बाद में फिर से आएंगे एक और नए एलीट फोर को हराने के लिए गाइस। तो लेट्स गो यार, पहले गाइस हम फेवरेट को हराने के लिए रखेंगे, देख लेते उस सामने वाले का कौन सा पोकेमॉन होगा, और बाद में हम हमारे ग्लाइस्कोर या दूसरे तगड़े हथियार को हम यूज़ करेंगे। और देख लेते हमारे सामने एक और कोगा, इसके साथ इसके पास पॉइजन टाइप पोकेमॉन होने वाले, चलिए इसको हम बैटल के लिए चेंज कर लेते हैं। देख लेते हैं इसका पहला ही पोकेमॉन हमारे सामने का है, स्कन टैंक आ चुका है, एसिड स्प्रे पहला लगा, और भाई फिर से हम कॉइल का इस्तेमाल करेंगे, पहला हमारा फेल हो चुका है, लेकिन उसने भी टॉक्सिक का इस्तेमाल कर लिया है, और फाइनली हमारा पहला कॉइल का इस्तेमाल हो चुका है। देख लेते पॉइजन का असर, फिर से एसिड स्प्रे माइनर डिपेन हो चुका है, फिर से हम कॉइल का इस्तेमाल करेंगे। और अब बारी गाइस बॉटन पास इस्तेमाल करने की, एसिड स्प्रे के साथ भाई फाइनली, लेकिन यार हार हो चुके हमारे फेवरेट के। लेकिन गाइस हम भी क्राउडन को चुन लेते हैं, प्रेसिक्यू ब्लेड के साथ टॉक्सिक उसने इस्तेमाल किया, बाद में हम रेश का इस्तेमाल कर लेंगे, और भाई इसके साथ स्कन टैंक को हमने हरा दिया गाइस। देख लेते इसका नेक्स्ट पोकेमॉन हमारे सामने क्रोबैट आ चुका है, लेकिन अब बारी हमारे पोकेमॉन को एक्सचेंज करने के, हमने फाइनली रेस अटैक किया और बाद में हम स्विच पोकेमॉन करेंगे। देख ले देर भाई हमने फाइनली ग्लाइस्कोर का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसका पहला क्रॉस पॉइजन हमारे ऊपर लगा, बैडली पॉइजन हमारा अटैक यूज हो चुका है, उसके साथ भाई स्वर्ड डांस भी हो चुका है पहला अटैक। लेकिन देख लेते विनोशॉक उसने तगड़ा अटैक, लेकिन हमने फिर से स्वर्ड डांस का इस्तेमाल कर लिया है, तीसरी बार हम करेंगे, और बाद में एक एक पोकेमॉन की धूल चटाएंगे। लीच लाइफ का इस्तेमाल किया क्रोबैट ने, फिर से हमने स्वॉर्ड डांस का इस्तेमाल कर लिया है, देख लेते हैं। और भाई साहब अब बारी एक एक तगड़ा हमला करने के, तैयार हो जाओ फकाड़े के साथ, 906 का डैमेज। और फाइनली गाइस क्रोबैट भी हार चुके हमारे ग्लाइस्कोर के सामने, देख लेते इसका दूसरा पोकेमॉन टॉक्सिक रोक, सॉरी थर्ड पोकेमॉन टॉक्सिक रोक हमारे सामने आ चुका है, इसको भी हमने फाइनली हरा दिया है गाइस। देख लेते अब बार ये फोर्थ पोकेमॉन को हराने के लिए, देख लेते हमारे सामने वेनोमोथ आ चुका है फाइनली, इसको भी हम फकाड़े के साथ हराएंगे। पॉइजन फैंक का कुछ भी इस्तेमाल मतलब असर नहीं, और वेनोमोथ को भी हमने हरा दिया है गाइस। देख लेते इसका अगला पोकेमॉन हमारे सामने मर्क आ चुका है, और भाई साहब फकाड़े के साथ भाई इसको भी हमने 27, लेकिन अभी तक बचे हुए, और अब बारी स्मक को भी हराने के लिए, जाओ ग्लाइस्कोर मैं तुम्हारे साथ हूँ। और भाई देख लेते इसका आखिरी वाला पोकेमॉन हमारे सामने गाइस स्वालॉट आ चुका है, देख लेते हम फकाड़े के साथ इसको भी हरा देंगे, 40 अभी तक बची हुई है। और भाई फाइनल वार ग्लाइस्कोर, फाइनल वार कर दो इस स्वालॉट पर, फाइनली हमने दूसरे एलीट फोर के मेंबर को भी फाइनली हरा दिया गाइस। तो चलिए हम फटाफट से अपने पोकेमॉन की हेल्थ अप भी कर लेते हैं, और फिर से आएंगे एक और नया एलीट फोर को हराने के लिए गाइस। तो लेट्स गो यार,
मुझे लगता है गाइस अगला चैलेंजर हमारे सामने फाइटिंग टाइप आएगा, लेकिन हमें भी उसके साथ तगड़ा बैटल तो करना होगा। हम उसको लगातार ऐसे बैटलों में हम उसको हराते आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं वो कितना ताकतवर होने वाला है और उसका पहला पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। इसलिए हमने पहले ही फेवरेट को चुन लिया गाइस। देख लेते हमने अब नॉकटल को, देख लेते कौन से, लेकिन जाने दो, हमने नॉकटल को पहले किया और भाई फाइनली ब्रूनो को हमने चैलेंज कर लिया गाइस। देख लेते इसका पहला पोकेमॉन हमारे सामने मानचॉप आ चुका है गाइस। देख लेते हमने क्रॉस चॉप का पहले इस्तेमाल हुआ, हमने मानचॉप को हरा मतलब सुला दिया है गाइस, सॉरी। लेकिन मून ब्लास्ट का कुछ ज़्यादा असर नहीं, फिर से जाग चुका है सबमिशन के साथ। नॉकटल को भी उस मानचॉप ने हरा दिया है गाइस। हमने फिर से गाइस अपने ग्राउंडन को बुला लिया है प्रेसिव ब्लेड के साथ 451 का डबल डैमेज, लेकिन डायनेमिक पज भी बहुत तगड़ा वार होने वाला है। कन्फ्यूजन हो चुका है, लेकिन उसने हमारे ग्राउंडन को फाइनली मानचॉप को हरा दिया गाइस। हिटमोन टॉप आ चुका है हमारे सामने, हम फिर से प्रेस की ब्लेड के साथ, लेकिन कुछ ज़्यादा असर नहीं। हम रेस का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा असर नहीं। रिवेंज भी हो चुका है, फाइनली रेस लग चुका है हमारे ग्राउंडन पर। अब बारी गाइस हमारे स्पेशल हथियार ग्लाइस्कोर को बुलाने की। ग्लाइस्कोर मैं तुम्हें चुनता हूँ। तो चले गाइस ग्लाइस्कोर हमारे सामने आ चुका है। हम लगातार भाई ट्रिपल आर किक लग चुका है, लेकिन कुछ ज़्यादा असर नहीं। लेकिन पॉइजन, बैडली पॉइजन हमारी एबिलिटी यूज़ हो चुकी है। उसके साथ स्वर्ड डांस भी हमने यूज़ कर लिया है गाइस, और भाई 2+ अटैक हो चुका है। लेकिन हम अभी मौका है गाइस हमारे स्वर्ड डांस को लगातार यूज़ करने के, क्योंकि ये हिटमॉन टॉप कुछ ज़्यादा असर नहीं कर रहा। इसलिए हम अब बारी गाइस तगड़े तगड़े लगातार वार करने की। और भाई पॉइजन जैप के साथ हमने फाइनली हिटमॉन टॉप को हरा दिया है। और भाई देख लेते इसका अगला पोकेमॉन हिटमॉन चॉन हो चुका है हमारे सामने। फिर से पॉइजन जैप का कुछ ज़्यादा असर ली, लेकिन हराते हराते बच चुका है हिटमॉन चैन भाई साहब। लेकिन फिर से हम यूज़ करेंगे हमारा मेन हमला, ओए पटक दे इसको। और फाइनली हमारे ग्लाइस्कोर के पटक दे अटैक ने हिटमॉन चैन को भी हरा दिया है। और हिटमॉन ली हमारे सामने पटक दे के लिए आ चुका है। फिर से हमने पटक दे के साथ हिटमॉन ली को हरा दिया है गाइस। देख लेते इसका नेक्स्ट एक और पोकेमॉन हमारे सामने गाइस लुकारियो आ चुका है। लेकिन गाइस ये क्या हो रहा है हमारे सामने, लुकारियो मेगा इवोल्यूशन हो चुका है। पावर अप पंच पहले लगा हमारा स्काई अपकट मिस हो चुका है गाइस। देख लेते फिर से हम स्काई अपकट का यूज करेंगे। क्लोज कॉम्बैट लग चुका है और भाई तगड़ा वार भाई साहब। और भाई इसके साथ मेगा लुकारियो को हमने फाइनली हरा दिया गाइस स्काई अपकट के साथ। देख लेते इसका स्टीलिंग भी शायद मेगा इवोल्यूशन हो चुका है गाइस, लेकिन इसके साथ हमने स्काई अपकट लगा दिया है गाइस। 74 अभी तक बची हुई है। फिर से हम स्काई अपकट का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ भाई साहब मेगा स्टीलिक्स को भी हमने हरा दिया है गाइस। इस आखिरी मतलब एक और हमारे सामने एलीट फोर का बंदा बचा हुआ है, और हम फिर से आएंगे एक और एलीट फोर के बंदे को हराने के लिए। देख लेते उसके पास शायद डार्क टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं, लेकिन हम उससे भी नहीं डरने वाले। तो चलिए गाइस हम उस बंदी को भी हम हराने के लिए आगे बढ़ेंगे गाइस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और दो हमारे सामने रूम आने वाले हैं। ये कोगा नाम है इसका, जाने दो। और भाई ब्रूनो रूम है ये भी, इसको भी हमने हरा दिया है गाइस। तो चलिए आखिरी कैरीज रूम आ चुका है हमारे सामने। तो चलिए इसको हम चैलेंज कर लेते हैं। और भाई कैरन क्या इसका नाम है, जाने दो। तो चले गाइस देख लेते इसका पहला पोकेमॉन हमारे सामने गाइस। और भाई साहब वी वाइल आ चुका है, लो किक पहले लगा, हमारा मुंह फेल हो चुका है। फिर से आइस शार्क अटैक, लेकिन हाइपोसिस हमारा लग चुका है गाइस। मून ब्लास्ट हम यूज़ करेंगे, लेकिन देख लेते 236 का डैमेज, अटैक फेल हो चुका है 1-। फिर से हम मून ब्लास्ट का अटैक, फिर से हम मून ब्लास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही हमारे नॉकटॉल को हरा दिया गाइस वी वाइल ने। हमने फाइनली ग्लाइस्कोर को चुन लिया है। और भाई आइस शार्क तगड़वार स्वर्ड डांस हमने कर लिया गाइस, लेकिन बहुत तगड़े वार कर रहा है। फिर से हमारा एबिलिटी यूज़ होने वाली है,
और भाई आईसीआर के साथ फाइनली ग्लास्कोर भी हार चुका है गाइस, लेकिन हमारे फाइनली ग्रोडोन को भी चुन लिया गाइस। आईसीआर पहले लगा हमारे प्रेसिक्वी ब्लेड के साथ वी वाइल को भी हमने हरा दिया गाइस। देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमोन गेंगार आ चुका है हमारे सामने, मेगा इवोल्यूशन भी हो चुका है। हमने प्रेसिक्वी ब्लेड के साथ बाद में अटैक जरूर किया लेकिन तगड़ा वार कर दिया है, मेगा गेंगार को भी हमने हरा दिया गाइस। स्पिरिटूम आ चुका है हमारे सामने प्रेसिक्वी ब्लेड के साथ, कुछ ज़्यादा असर नहीं गाइस। ओमनियस विंड हमारे ऊपर लग चुका है लेकिन प्रेसिक्वी ब्लेड के साथ 61 अभी तक बचे हुए है। अब बारी गाइस रेश यूज करने की, लेकिन उससे पहले ही ग्राउडन को हरा दिया गाइस। अब गाइस फ्यूरेट भी हमारे काम आ सकती है इसलिए हमने फ्यूरेट को चुना, उसका मूव फेल हो चुका है। हमने फाइनली कॉइल का भी इस्तेमाल कर लिया है लेकिन उसके अभी तक 4 पोकेमॉन और हमारे 3 पोकेमॉन बचे हुए है गाइस। फिर से हमने कॉइल का इस्तेमाल कर लिया है, उसका मूव फेल हो चुका है लेकिन उसके वार तगड़े होने वाले हैं इसलिए हमने फाइनली मानचैम को इस्तेमाल कर लिया है। शुकर पंच पहले लगा और भाई हमारा फाइनली ड्यूल चॉप के साथ और स्पिरिटूम को हमने फाइनली हरा दिया गाइस। लेकिन हॉर्न डूम हमारे सामने आ चुका है, क्रॉस चॉप हम लगातार यूज करेंगे लेकिन उसके साथ फ्लेम थ्रो पहले लगा हमारे क्रॉस चॉप के साथ मेगा हॉर्न डूम को भी हरा दिया गाइस। देख लेते हैं इसका अगला पोकेमोन हमारे सामने एब्सोल भी आ चुका है, क्रॉस चॉप हम फिर से इस्तेमाल करेंगे, उसका एब्सोल मेगा हो चुका है। फ्यूचर साइक उसने इस्तेमाल किया लेकिन हमारे क्रॉस चॉप ने मेगा एब्सोल को भी हरा दिया गाइस। और भाई अम्ब्रियन आ चुका है, फेंट अटैक पहले लगा लेकिन इसके साथ भाई फाइनली अम्ब्रियन को भी हमने हरा दिया गाइस। इसके साथ 4 इलीट 4 मेंबर को भी हमने हरा दिया गाइस। और अब बारी है सामने आएगा इंडिगो लीग चैंपियन लैंस, और भाई वो एक ड्रैगन टाइप ट्रेनर है भाई साहब, उसके पास होने वाले है सैलमेंस ड्रैगनाइट और खतरनाक खतरनाक वाले मेगा इवोल्यूशन पोकेमॉन। और भाई उसके पास रेड गैरेडोस भी होने वाला है, हम उसके साथ बैटल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई भी स्पेशल पोकेमॉन नहीं है। ग्रोडोन भी कुछ नहीं कर सकता, उसके सामने वॉलकैनिन भी कुछ नहीं कर सकता, हमारे मानचॉप कर सकता है लेकिन वो पहले ही ड्रैगनाइट के सामने हार जाएगा क्योंकि उसका पहला पोकेमॉन ड्रैगनाइट आएगा गाइस। और भाई हमने फेवरेट को अगर चुना वो पहले ही ड्रैगन रश के साथ हमारे फेवरेट को हरा देगा गाइस, इसलिए हम उसके साथ बैटल नहीं करने वाले हैं अब गाइस। और भाई हम इधर से ही चले जाएंगे बाहर, लेट्स गो यार। पता नहीं गाइज अगली वीडियो कब आएगी लेकिन हम अगली वीडियो में शायद क्लाइस्टर को या हमारे लैप्रस को लेके आएंगे, वो भी 6 स्टार करके। लेकिन आपने अगर सपोर्ट किया, आपने अगर लैंस को हराने के लिए कोई ट्रिक बताई तो मैं वो अगली वीडियो बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगा गाइज। और भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरे भाई लोग, और हम फिर से आएंगे एक और नई तगड़ी वीडियो को लेके। तब तक के लिए गुड बाय मेरे यार, बाय बाय, टेक केयर, ऑल लव यू गाइज।